यहाँ पर अभी मैंने थोड़े से कपड़े निकाले हैं अभी मेरे ना यहाँ पर ये कपड़े खेस और एक मैंने गद्दे का कवर भी उतार कर रखा हुआ था वो भी धोना है अब मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी ना ये कपड़े ख़त्म हो जाएँ तो उसके बाद मैं जो आधा वाला से ना जो तकरीबन ना एक तो मैंने झाड़ू देकर यहीं पर सारा जो कूड़ा है ना इकट्ठा कर दिया था तो इसको भी बाद में सफ़ाई करूँगी और अभी मेरा इतना ज़्यादा थकावट हो गई थी ना पहले मैंने सोचा कि ये थोड़े से ही तो कपड़े हैं लेकिन जब मैंने मशीन लगाई तो ऐसा लगा जैसे वो कहते हैं ना खोदा पहाड़ और निकला चूहा लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही होगा खोता खोदा पहाड़ और निकला हाथी और इतने ज़्यादा कपड़े थे इतने ज़्यादा कपड़े थे तो कि मैंने सोचा अब तो मैं ना हफ्ते में दो बार मशीन लगाया करूँगी ना एक तो कपड़े थोड़े होंगे मैं धो भी आसानी से लूँगी दिन भी छोटे छोटे हो गए हैं अगर मशीन लगा लेना सारा दिन मशीन में ही लग जाता है कोई और काम ही नहीं ख़त्म होता यहाँ पर अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी तकरीबन ना दोपहर का साढ़े तीन बजे का टाइम हो चुका था और आज मैंने ना दोपहर को चाय नहीं बनाई एक तो थकावट और अकेला बंदा और मैं यहाँ पर लेटे सोच रही थी काश मुझे एक चाय का कप को बना के अभी मैं यहाँ पर चावल बना रही थी और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था मगर की अजान भी, भी तकरीबन हो चुकी थी और मैं साथ मैंने हंडिया भी रखी थी और आसम का नाग कुछ स्कूल का काम था वो भी मैं साथ साथ उसे करवा रही थी चावल ना मैं अक्सर ही अब तो काफ़ी दिन हो गए काफ़ी अर्सा हो गया मैं दोपहर को ही बनाती हूँ शाम को नहीं बनाती बस ऐसे ही बैठे बिठाए ना मेरा दिल के अब तो टाइम भी ज़्यादा हो गया चलो चावल ही बना लेती हूँ लेकिन जी बच्चे ने बच्चों ने शाम को कहा कि ममा आपने ना चावल दोपहर को बनाने थे मैंने बहुत ही प्यार से बनाए लेकिन मेरे बच्चों ने ना मतलब खाए तो ज़रूर लेकिन इतने शौक से नहीं खाए जितने वो दोपहर को खाते हैं और मैंने भी सोचा कि शायद ये सही कह रही हैं कि रात को ना रोटी खानी चाहिए चावल नहीं खाने चाहिए आ, अगर ना मैं रोटी बना लेती ना तो बच्चों ने बहुत शौक से खानी थी लेकिन कोई बात नहीं खा लिए फिर भी लेकिन अब ना अगर मुझे बनाने हुए ना तो मैं दोपहर को ही बनाया करूँगी शाम को नहीं बनाऊँगी बस जी अब यहाँ पर मैंने सारा मसाला भी भून लिया इमली भी डाल ली सब कुछ कर लिया और दम पर भी लगा दिया ना बच मेरे आज मेरा खुद का भी ना कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा था बस मैंने जल्दी में चावल बनाए और फिर आसम आ गया कि चले मैं थोड़ा सा सलाद काट देता हूँ सिर्फ बंद गोभी पड़ी थी और खीरे पड़े थे खीरे बच्चे नहीं खाते ना बंद गोभी थोड़ी सी खा लेते हैं यहाँ पर मैंने बनाई चावल में मेरे तकरीबन तैयार हो गए थे और मैं इतनी ज़्यादा फिलहाल थक चुकी थी ना कि मेरा दिल कर रहा था यहाँ से बस कोई काम ना करूँ किचन का ना कभी कभी दिल ऐसा करता है इंसान का कि सारे काम बंदा ना भागम भाग कर लेता है और कभी कभी तो इतनी थकावट हो जाती है कि बंदा अपनी प्लेट का उठा मेरी आज के ये दिन की रूटीन थी और उसके बाद मैंने अपना चाय का कप लिया एक आधा बिस्किट खाया उसके बाद ज्यादा बिस्किट भी नहीं खाया गया तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए